डेटा टाइप्स। अब जी क्या होता है कि जब भी हमें कोई भी वेरिएबल यूज करना है अपने प्रोग्राम में, तो उसे कहीं ना कहीं हमें स्टोर करना पड़ेगा। और जब हम स्टोर करेंगे तो हमें ये पहले से डिफाइन करना पड़ेगा या बताना पड़ेगा कंपाइलर को कि वो उसे कितना स्पेस चाहिए और किस तरीके का, किस टाइप का जो है वैल्यू उसमें हम स्टोर करेंगे। जैसे हमारा नंबर हो सकता है, डेसिमल पॉइंट वाला वैल्यू हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कैरेक्टर हो सकता है, किसी का नेम हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है होता है हम डेटा टाइप को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो है डेटा टाइप्स हमारे पास, यहाँ पे फिलहाल मैं चार को बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, कैर है, इंटीजर है, डबल है, फ्लोट है। और ये जो साइज़ है ये मशीन डिपेंडेंट होता है। तो ध्यान रहे कि अभी मैं जो बताऊंगा तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो यूज़ कर रहे होंगे उसमें भी वही होगा। अगर 32 बिट वाला सिस्टम है तो मैं जो बता रहा हूँ ये एप्लीकेबल होगा, और अगर 16 बिट वाला है तो इसके जस्ट हाफ होगा। तो जनरली मैं जो कंपाइलर यूज़ करता हूँ, इसमें कोड ब्लॉक यूज़ करता हूँ, तो कोड ब्लॉक मेरे जो है 4 बाइट के, मतलब 32 बिट के जैसा वर्क करता है। और जो टर्बो होता है वो शायद शायद 16 बिट पे काम करता है, मतलब 16 बिट का है। तो उसमें जो होता है उसका जो डेटा टाइप का रेंज होता है वो इसके हाफ होगा। तो यहाँ पे क्या, कैरेक्टर 2 बाइट, कैरेक्टर जो अब बाइट, यहाँ पे ध्यान रहे कि बाइट क्या होता है, बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। ये जो कैपिटल बी है ये होता है बाइट्स, और ये जो स्मॉल बी है ये होता है बिट्स। तो अब 2 बाइट्स यानी कि जो हमारा मेमोरी में होता है ये 2 बाइट का स्पेस लेगा, और 1 बाइट में 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो होता है टोटल, जो एक कैरेक्टर की बात करें तो इतना सारा लेगा। और इसका जो स्काई वैल्यू होगा, जैसे क्या है कि अगर कैरेक्टर मतलब एक ले हम अगर ए लेते हैं तो इसका स्काई वैल्यू जो होता है 65। 65 को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 64 32 16 8 4 2 1, तो ये जो होता है 65 होगा बाइनरी का कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो होता है इसको जब हम स्टोर करेंगे 10 0 0 2 4 5 3 4 5 एंड देन 1, और रेस्ट जो होगा 0 0 0 0 0 0 0। तो जब ये हमारा एक अगर जो प्रोग्राम जो मेमोरी में स्टोर होता है तो वो ऐसे स्टोर होता है। तो उसी तरीके से हमें पहले से अगर सपोज़ कि अगर इंटीजर है तो उसका जो रेंज है बड़ा होगा, तो उसको क्या होता है इंटीजर के लिए 4 बाइट्स चाहिए। 4 बाइट्स यानी 32 बिट्स, ये हमारा 16 बिट्स था तो उसमें क्या होता है 4 बाइट्स चाहिए। उसी तरीके का अगर डबल है तो डबल के लिए 8 बाइट्स, और फ्लोट है तो फ्लोट के लिए 4 बाइट्स। तो अब क्या है कि कैरेक्टर में हम क्या स्टोर कर सकते हैं, जैसे कोई भी कैरेक्टर ए बी सी, ये क्या है हो गया, जैसे लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन, एक्सक्लेमेशन साइन, इंटीजर, इंटीजर में हमारा कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हो गया, जैसे 20 30 40 2000 15000, तो ये जो होता है हमारा न्यूमेरिक वैल्यू हो गया। अब क्या है फ्लोट, फ्लोट में जो है कि जैसे कुछ डेसिमल वाले वैल्यू हो गए 3.25 6.943, तो ये जितने डेसिमल वाले वैल्यू है इसमें हम फ्लोट में स्टोर करते हैं। तो और कई बार कई दफ़ा मतलब ऐसा भी होता है कि ये जो है वैल्यू का जो एरिया है मतलब 4 बाइट्स में वो नहीं आ पाता, तो उसके लिए क्या हमें उससे बड़े जो डेटा टाइप की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें क्या होता है हम डबल यूज़ करते हैं जिसका 8 बाइट होता है। एक और क्या है कि ये बेसिक है, हम जितने सारे प्रोग्राम करेंगे इसी जो डेटा टाइप्स में हमारा जितना बेसिक जो हमारे कॉलेज लेवल के जितने सारे एग्ज़ाम हैं जो पास हमें वाइवा देना होता है, चाहे जो भी असाइनमेंट मिलते हैं, वो सारे हम इस डेटा टाइप्स पे से कवर कर लेंगे। फिर भी अगर आपको मतलब जानना है कि एकदम डिटेल में जितने सारे डेटा टाइप्स हैं, जैसे लॉन्ग इंटीजर हो गया, लॉन्ग उसके बाद यहाँ पे अनसाइंड हो गया, अनसाइंड हो गया, तो उस पर एक सेपरेट वीडियो, मतलब लास्ट में हम जब पूरा हम कर लेंगे तो लास्ट में एक वीडियो वक्त मिला तो उस पर करूँगा। लेकिन फ़िलहाल हमें बस इतना जानना है जो कि हम प्रोग्राम इजीली कर सकें। तो ये हो गया हमारा डेटा टाइप्स।